हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जाने वाले हैं नाथुला पास और बाबा मंदिर। तो इन प्लेसेस की डिटेल्स मैं आपको वीडियो के बीच बीच में देती रहूँगी, सो स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चलिए अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, निकलते हैं। तो रास्ते में हमें ये सिक्किम का मैप दिख गया, सो आई थॉट इट विल बी इजी फॉर मी टू एक्सप्लेन दैट व्हाट ऑल एरियाज वी हैव कवर्ड एंड व्हाट इज लेफ्ट इन सिक्किम फॉर अस। तो जैसे कि आपने मेरे पुराने व्लॉग्स में देखा, हमने नॉर्थ सिक्किम कवर किया एंड आज हम कवर करने वाले हैं ईस्ट सिक्किम। सो लेट्स गो। जब आप नाथुला पास जाएंगे गैंगटॉक से, तब रास्ते में आपको कंचनजंगा देखने को मिलेगा। तो कंचनजंगा दिखते ही हमने ड्राइवर भैया से रिक्वेस्ट किया थोड़ी देर वहाँ रुकने के लिए, और हमने फटाफट फोटोज़ क्लिक कराया, निकल गए नाथुला पास के लिए। नाथुला पास जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है और डेली कुछ लिमिटेड पास ही मिलते हैं। तो अगर आपने पैकेज बुक कर रखा है तो आपके ट्रैवल एजेंट आपके लिए अरेंज कर देंगे, नहीं तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा वहाँ पे जाके ऑन द स्पॉट कि आपको परमिट मिल रहा है या फिर नहीं। सेकेंड चीज़ जो नाथुला पास जाते समय आपको ध्यान देनी है कि नाथुला पास मंडे एंड ट्यूसडे को बंद रहता है, आप सिर्फ वेंसडे टू संडे ही विजिट कर सकते हैं बिटवीन 8 AM टू 6 PM। सो नाथुला पास इज इंडिया चाइना बॉर्डर विच कनेक्ट सिक्किम टू चाइना। नाथुला पास हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड इन इम्प्रूविंग द बॉर्डर रिलेशंस विद चाइना। इट ऑल्सो प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन साइनो इंडियन ट्रेड। नाथुला पास सिर्फ इंडियन नेशनल्स ही विजिट कर सकते हैं जिनके पास वैलिड परमिट है। अगर आप इंडियन नहीं हैं तो आप नाथुला पास विजिट नहीं कर सकते। यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन रहती है। ये सारे स्टेयर्स चढ़ के जब हम ऊपर पहुँचेंगे तो इस तरफ हमें इंडिया दिखेगा एंड दूसरी तरफ जो दिखेगा वो होगा चाइना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल लो रहता है, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड फॉलो ट्रैवल गाइडलाइंस प्रॉपरली। एंड वहाँ पे आपको एक विजिटिंग सर्टिफिकेट भी मिलता है जिसको यू कैन बाय इन अराउंड ₹50 एंड टेक होम एज अ मेमोरी ऑफ नाथुला पास। चलिए अब यहाँ से चलते हैं बाबा मंदिर एंड जानते हैं कि बाबा मंदिर क्या है, क्यों बनवाया गया, किसकी याद में बनवाया गया। सो लेट्स गो। सो बिफोर मूविंग अहेड इन द वीडियो, लेट मी टॉक अबाउट फ्यू स्किन केयर प्रोडक्ट्स, बिकॉज व्हेनेवर वी आर ट्रैवलिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक गुड केयर ऑफ योर स्किन। फॉर दैट आई कैरी टैग आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स विद मी ऑन दिस ट्रिप बिकॉज दे हैव यूज्ड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड वीगन। वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट you will get to know. Let me talk about my skincare routine which helped me to stay radiant and glowing throughout my trip. So firstly, I was using Kumkumadi face wash for radiant and youthful skin as it has Kumkumadi, Ashwagandha, gold dust, Manjastha and Multani Mitti. And it will cost you around ₹299. And secondly, I used to apply Iladi sunscreen with SPF 50, which protected me from UVA and UVB rays. And it has Iladi, aloe vera, avocado, neem, and vitamin C. And it will not leave any white cast and no greasiness. And it will cost you around ₹499.
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई यूज टू अप्लाई द इंडियन रोज लिप बाम फॉर ड्राई डार्क एंड चैप्ड लिप्स. इट हैज़ द गुडनेस ऑफ रोज एसेंशियल ऑयल, रोज पेटल्स, कोकोआ बटर, शिया बटर, कैंडलीला वैक्स एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड 395 rupees. एंड यू कैन गेट 10% ऑफ ऑन ऑल प्रीपेड ऑर्डर्स एंड फ्री शिपिंग इफ योर ऑर्डर वैल्यू इज अबव 395 rupees. एवरीवन गुड मॉर्निंग फ्रॉम गैंगटॉक. तो अभी हम खड़े हैं बाबा मंदिर पे, न्यू बाबा मंदिर पे. एंड इसके पहले हम गए थे ये नाथुला पास पे जहाँ इंडिया चाइना बॉर्डर है, तो वो देखा है. उसके बाद अब हम यहाँ पे आ गए हैं नाथुला पास, सॉरी बाबा मंदिर पे. तो बाबा मंदिर की हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक सोल्जर थे जो जिनके नाम पे मंदिर है. एंड चलिए अभी पहले बाबा मंदिर आपको अंदर से दिखा देती हूँ एंड फिर उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे ये मंदिर क्यों है, किसने बनवाया और क्यों बनवाया. ये मंदिर बाबा हरभजन सिंह के नाम पे बनवाया गया था जो यहाँ पे सिपाही के तौर पे पहरा देते थे. ऐसा माना जाता है कि उनके देहांत के बाद आज भी उनकी आत्मा यहाँ पे पहरा देती है देश की रक्षा और सेवा करने के लिए. ऐसा माना जाता है कि बाबा जी अपने एक साथी के सपने में आए थे और अपनी समाधि बनाने के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो उस बात को मानते हुए इस मंदिर का निर्माण किया गया. ये भी मान्यता है कि यहाँ पे जो पानी मिलता है उसे अगर किसी बीमार इंसान को 21 दिन तक पिलाया जाए तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन उतने दिन तक घर में कोई भी नॉनवेज या फिर ड्रिंक नहीं कर सकता. और ये भी माना जाता है कि बाबा जी किसी न किसी रूप में वहाँ के लोगों की मदद करते रहते हैं. इसके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म भी बनी है प्लस माइनस, जो की हॉटस्टार पर अवेलेबल है. आज भी जब इंडिया चाइना की कोई मीटिंग होती है तो उसमें बाबा जी के लिए एक सीट को खाली रखा जाता है. ये जो आप भगवान शिव जी की मूर्ति देख रहे हैं ये 13,000 फीट पे बनाई गई है जो कि सबसे हाईएस्ट है एंड इसको रेप्लिकेट किया गया है ऋषिकेश वाले मंदिर से. अभी आगे का प्लान ये है कि अभी हम यहाँ से जाएंगे चोंगो लेक. तो चोंगो लेक पे बेसिकली याक राइड होती है एंड अभी तो अप्रैल मंथ में हम आए हैं तो वहाँ का पानी फ्रीज नहीं है. जनरली अगर आप विंटर मंथ में आएंगे तो आपको वहाँ का पानी फ्रीज मिलेगा. अभी तो नॉर्मल वाटर है बट काफ़ी ज़्यादा साफ पानी है यहाँ पे बिकॉज हिमालयन रेंज से निकल रहा है पानी, तो काफ़ी ज़्यादा प्योर है यहाँ का पानी.
जैसे भी है राइट, क्या होगा राइडिंग का? शॉर्ट, मिडिल, लॉन्ग, ऐसा डिस्टेंस है आप लोग। और कितना लगता है? शॉर्ट डिस्टेंस का आपको 550 का। और मीडियम? मीडियम वाला तो 1250। लॉन्ग? लॉन्ग आपका 2250। अच्छा, और कहाँ कहाँ तक लेके जाते हैं? शॉर्ट आपको रोटी रोड का रहता है। हाँ, मीडियम आपको ऊपर जाता है पहाड़ में। अच्छा, लॉन्ग लेग का उसका। अच्छा, और पैर के फोटो निकालना है तो उसका 100 रुपये। ओके सो नाउ वी हैव रीच टू द चांगू लेक। तो अभी आप मेरे पीछे जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे चांगू लेक है। एंड याक की अगर आपको राइड करनी है तो 3 तरीके की राइड होती है यहाँ पे, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। स्मॉल में जैसे कि अभी भैया से मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया कि वो रोड तक ही करवाएंगे, एंड मीडियम में वो पहाड़ के ऊपर लेके जाएंगे, एंड लार्ज में वो लेक क्रॉस करके लेके जाएंगे। जैसे कि राइड है, अगर आपको याक खिंचानी है तो भी पे करना होगा। एंड अभी समर सीजन है तो लेक पूरी पिघली हुई है, आप विंटर सीजन में आएंगे तो आपको यही लेक जमी हुई मिलेगी, बट इट्स रियली नाइस।